जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, कुछ दिन पहले मेरी टीम ने मेरा एक वीडियो डाला जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया। इनफैक्ट दो वीडियो डाले, एक हम लोगों ने डाला था शनि के 9 चमत्कारी टोटके जिसको आप शनिवार के दिन करके लाभ ले सकते हैं, दूसरा हम लोगों ने शनि के वक्री राशिफल के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी जो आप लोगों ने हाथों हाथ लिया और आपको वो बहुत पसंद आया, उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है। तो मेरी टीम ने ये चर्चा की कि क्यों ना आने वाले समय के लिए 2000 बाकी जो साल बचा हुआ है 2017, इसमें शनि का आपकी राशि के अनुसार और लाल किताब के अनुसार क्या फलादेश रहता है, ये जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई जाए। तो इसी क्रम में शनि के इस राशि परिवर्तन, इस वक्री स्थिति के लिए लेकर के आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाल किताब का शनि राशिफल 2017 कि ये जो गोचर का परिवर्तन रहेगा या ये जो वक्री शनि रहेगा इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। लाल किताब शनि राशिफल 2017 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है ये, और किन तीन राशियों को विशेष रूप से ये प्रभावित करेगा आज हम लोग ये जानेंगे। 2017 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन 21 जून दिन बुधवार को सुबह 4:28 पर हुआ है। वक्री शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, राशि में प्रवेश करते ही कई राशियों पर शनि की कुदृष्टि बन जाएगी। विशेष तौर पर 26 अक्टूबर तक का समय मेष, वृश्चिक और सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक कष्टदायी रहने वाला है। अन्य राशियों पर भी इसका अलग अलग असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार शनि का ये राशिफल आपकी राशि के लिए क्या कहता है, कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए 21 जून से शनि की ढैया रहेगी। शनि में राशि में अष्टम आने से शारीरिक कष्ट आदि के योग आपके लिए बनते हैं। इस दौरान आपको अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव भी झेलना पड़ सकता है। लंबे समय से किसी चीज का इंतजार अगर आप कर रहे थे तो अब वो इंतजार समाप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे कि राशि के प्रभाव में कोई भी फल धीरे धीरे ही मिलता है, इसलिए धैर्य से काम लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र और वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो सकता है। तो ये रही बात मेष राशि की। आइए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए 21 जून सुबह 4:28 से आपको राहत की सांस मिलने लगेगी। शनि की ढैया जो आपके ऊपर चल रही थी वो उतरेगी, शारीरिक कष्ट कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार के योग बनते हैं। जिन जातकों के तलाक के केस काफी समय से चल रहे थे और वो लंबित थे यानी लटके हुए थे, उनको तलाक मिलने से राहत की स्थिति बनती है, तलाक मिलने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप एवं प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। कुल मिलाकर के शनि का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। शनि आपके 9वें और 10वें भाव का स्वामी है और आपके लिए गोचर में ये 7वें भाव में
गोचर करने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी से निकाले जाने की संभावना बनती दिखाई देती है। इस कारण आपको मुश्किल का समय देखना पड़ सकता है। पहले से ही आप मानसिक रूप से तैयार रहें, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी इत्यादि का काम न करें। आपके हाथ से कोई पैतृक संपत्ति निकल सकती है, ऐसे योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए छठे भाव में शनि आ जाएगा, जिससे इस राशि वाले जातक लोगों को शत्रु से नोकझोंक और पेट, किडनी और इसके साथ साथ पाइल्स यानी बवासीर जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि से मंगल शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके और आपके अपने पार्टनर के साथ संबंध जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस गोचर में आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के फल मिलेंगे। शनि के प्रभाव में आप अपने दोस्तों और शुभचिंतकों की पहचान करने में सफल हो पाएंगे। सट्टा बाजार से दूर रहना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का निवेश करने से आप बचें। अपने जीवन साथी से कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ सकता है, यानी परिवार से वियोग की स्थिति भी आपके लिए बनती है। हो सकता है कि आप दोनों के लिए ये वियोग जो है काफी अच्छा हो। आपस में जो टकराव की स्थिति ग्रह के कारण बन रही है वो बच जाएगी अगर आप दूर दूर रहेंगे तो। अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए वक्री शनि पंचम भाव में भ्रमण करेगा। इन्हें पेट की तकलीफ हो सकती है। जो छात्र या छात्राएं किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिन युवक युवतियों के प्रेम प्रसंग या शादी की बात चल रही है वो बीच में टूट सकती है। इस राशि वाले जातकों को शनि के गोचर में अशुभ प्रभाव से ही गुजरना पड़ेगा। आपका मुश्किल समय काफी लंबे समय तक चलने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि आपका जीवन साथी से तलाक हो जाए। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जितना हो सके प्रयास करें। प्रेम संबंधों में भी खटास आएगी। कुल मिलाकर के आपके लिए ये अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। बॉस से आपकी बहस होने की संभावना बनती है। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस राशि में शनि छठे और सातवें भाव में बैठा हुआ है, जो चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपको ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय में आपके लिए काम करना काफी मुश्किल सिद्ध हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों से मन हट सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को नुकसान हो सकता है। अचानक से कोई बीमारी घेर सकती है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। वाहन बहुत सावधानी और ध्यान से चलाएं। नया वाहन या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो अभी खरीदने से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। आपकी राशि में पाश्विक योग बना हुआ है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। आपको या आपके माता पिता को हार्ट से संबंधित बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए पांचवें और छठे भाव का स्वामी शनि आपके लग्न स्थान में विराजमान है। शनि यहाँ 2.5 वर्ष तक रहने वाला है। इससे आपको प्रेम संबंधों में खटास का सामना करना पड़ सकता है। अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु लोन लेने पड़ सकते हैं। सेहत संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी होगी। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। करियर को लेकर के ये समय थोड़ा सा पॉजिटिव कहा जा सकता है। करियर के लिए ये अच्छा समय होगा। नौकरी में पदोन्नति या बदलाव की संभावना आपके लिए बनती है। फिजूल खर्ची हो सकती है। शनि की ढैया आपके ऊपर जो चल रही थी वो हटेगी तो पराक्रम शौर्य में वृद्धि होगी। जिन जातकों के विदेश जाने से संबंधित कार्य अटके पड़े थे उन्हें विदेश जाने के योग बन जाएंगे। परिवार में भाई बहनों के साथ मनमुटाव या वाद विवाद की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि देवता की 7.5 आपके लिए दोबारा से आती दिखाई देती है। मानसिक स्थिति तनावपूर्ण होने से परिवार में मनमुटाव या वाद विवाद हो सकता है। घर, प्रॉपर्टी इत्यादि लेने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा है। शनि इस राशि के तीसरे भाव में बैठा है। इस घर को क्रूर ग्रहों के लिए अच्छा स्थान माना जाता है, अतः आपको इस गोचर का शुभ फल प्राप्त होगा। माता को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। भाई बहनों के साथ वाद विवाद होगा।
वाहन में कोई खराबी आ सकती है। मेहनत का फल न मिलने से मन थोड़ा उदास होगा। आपके अपने काम को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए और दूसरों को शिकायत का मौका आप न दें, इस तरीके से आप काम करें। नौकरी में बेहतर अवसर मिलने की स्थिति आपके लिए बनेगी। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शनि देवता जैसे ही प्रवेश करेंगे 7:30 आपकी छाती पर फिर से आकर के बैठ जाएगी। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। इस राशि वाले जातकों को मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। शनि आपके तीसरे और चौथे भाव का स्वामी है। आपकी सफलता का कारक भी शनि देव है। ये गोचर आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों को लेकर के आया है। मानसिक तनाव हो सकता है और अपने भाई बहनों के साथ आपको वाद विवाद और झगड़ा करने से इस दौरान बचना चाहिए। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। किसी महंगी वस्तु पर धन खर्च कर सकते हैं। शराब का बहुत ज्यादा सेवन इस दौरान आप करने लगेंगे, जिसका विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य और आपके सामाजिक स्तर पर, आपके सोशल स्टेटस पर पड़ेगा। चेहरे या दांतों से संबंधित कोई समस्या सामने आ सकती है। अब बारी धनुराशि की। 21 जून को 12वें भाव में शनि सुबह सुबह ही आ जाएगा। इसके फलस्वरूप आपको कोई पुराना कोर्ट केस रीओपन हो सकता है। इस अवधि में गलतफहमियों के कारण आपका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो सकता है। आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक समय है, कृपया सावधान रहें। पारिवारिक जीवन में खटास पड़ सकती है। कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत अनिवार्य होगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कई अवसर भी इस दौरान आपको प्राप्त होंगे। संतान पक्ष के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, प्रयास करते रहें। अगस्त तक आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। अविवाहित हैं तो अभी आपके विवाह संबंधी कार्यों में भी विलंब होगा। व्यापार में घाटा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोग, जो जातक विदेश जाने का विचार कर रहे थे, उनके लिए 21 जून के बाद विदेश जाने के योग बन रहे हैं। किसी नए कार्य में धन लाभ होने के अच्छे योग हैं। बड़े भाई के साथ टकराव के योग बनते हैं, जरा संभल करके रहना चाहिए। 12वें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण आपकी सफलता की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। तनाव में आप रहा करेंगे इस दौरान। करियर में असफलता के कारण आप काफी परेशान अथवा निराश हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी आएगी। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते थे। सफलता के मार्ग में आ रही परेशानियों से निराश हो सकते हैं। शत्रुओं के आसपास होने का आभास होगा। बॉस के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपकी तरफ से कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। नौकरी में बदलाव आ सकता है और स्वास्थ्य भी खराब रहे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। अब बारी आ जाती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए 21 जून से शनि का वृश्चिक राशि में प्रवेश अच्छा फल देने वाला नहीं होगा। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहां से स्थानांतरण या डिमोशन के योग आपके लिए बनते हैं। डिमोशन हो जाए, आप प्रमोट ना हो पाए, जो आपको प्रमोशन मिलना था वो किसी कारण से बाधित हो जाए, उसकी जगह आपको और नीचे स्तर पर आना पड़े, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। आप अपना काम बहुत ध्यान से करें। अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं और आपका किसी से लव अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उस विषय को लेकर के उस कारण से आपके वैवाहिक संबंध जो है वो प्रभावित ही नहीं टूट भी सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो इस तरीके की गतिविधियों से बचना चाहिए। सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़िए। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यों को पूर्ण करने पर ध्यान दीजिए। इस समय वाणी की मधुरता आपके काम आएगी। यात्राएं सफल होंगी। धैर्य से काम लेना चाहिए। आपके लिए थोड़ी मेहनत करने का समय है। कार्यों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपके लिए थोड़ा मुश्किल समय होगा। मन कुंठा से भरा रह सकता है। हिम्मत से काम लें और निराश ना हो, तनाव से दूर रहने की सलाह देता हूं। संपत्ति से जुड़े हुए विवाद को इस समय में सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए 21 जून से पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आपका धार्मिक कार्यों में मन कम लगेगा, आपके बनते कार्यों में अड़चने आएंगी, परंतु ऐशो आराम के साधनों में वृद्धि होगी। आपके अति आत्मविश्वास के कारण आपके अपनों को ही दिक्कत हो सकती है। जिद्दी स्वभाव नहीं रखना चाहिए, समझदारी से आप काम लें। यदि आप लंबे समय से कहीं दूर यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इस समय आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो सकती है। मन में दुविधा रहेगी एवं कार्यों में देरी आएगी, कार्यों में विलंब हो सकता है। आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। पारिवारिक स्तर और सेहत के लिहाज से ये समय बहुत ही नाजुक समय कहा जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये लाल किताब का शनि राशि फल 2017 आपको अवश्य पसंद आएगा। आपसे आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे कोई वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए भी करना आवश्यक होता है कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं, ना जाने आप अनजाने में किस जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर जाएं, किस व्यक्ति को किस मोड़ पर ये वीडियो मिले और उनको जीवन की एक दिशा मिल जाए, कोई महत्वपूर्ण उपाय मिल जाए जिससे वो अपने संकट और परेशानी से मुक्ति पा सके। तो किसी न किसी कारण से आप उस व्यक्ति की सहायता करेंगे तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि आपको शेयर जरूर करना चाहिए। और हाँ, जहां पर ये वीडियो है उसके नीचे आप देखेंगे वहां एक लाल सा घंटी का निशान बना होगा, रेड आइकॉन होगा, उसको क्लिक करना मत भूलिए। उसको क्लिक करना इसलिए आवश्यक है कि जब आप उसे क्लिक करेंगे तो जब आप उस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो मेरी टीम जब भी अगला कोई वीडियो अपलोड करेगी तो आप तक उसकी जानकारी ऑटोमेटिक पहुंच जाया करेगी। तो इसी शुभकामना के साथ कि शनि देवता आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।